ऊपर मत जाना, वहाँ तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी तृष्णा के कब्जे में। करीब आधा कोस चलने के बाद तुम्हें शिव भक्त नागा सन्यासियों का आश्रम दिखेगा। उस आश्रम में सदियों पुराना एक तेजस्वी त्रिशूल, उस त्रिशूल से तुम्हें तृष्णा का वध करना होगा। जैसे ये आग तेरे पे पड़ेगी, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। नहीं जा सकती, तुझे मुझे मारना होगा। त्रिशूल से मार मुझे, मैंने कहा मार मुझे। चला त्रिशूल, मार मुझे। बेटी, इस त्रिशूल में अपार शक्ति है, पर ध्यान रहे इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकती हो। अद्भुत, ये स्त्री अपने प्राणों की बलि देकर हमारे प्रिय बन जाएगी। चित्रगुप्त जी, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कृपा कर कुछ कीजिए। माते, हम प्राण हरण का कृत्य नहीं कर सकते। यदि कोई यहाँ यमदूत उपस्थित होता तो हम उसे निर्देशित कर अवश्य कुछ कर सकते थे। यदि ये बात है तो हम यमदूत का आवाहन करेंगे। तुझे मैं नहीं जाने दूंगी, तुझे मुझे मारना होगा। चला त्रिशूल, मार मुझे, मैंने कहा मार मुझे। अब तुम दोनों का समय पूरा हो गया। आप इसे नष्ट कर दीजिए। जो आज्ञा। सबसे पहले मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। संतोष, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे मार डालोगी? तुम भूल गई कि मैं नहीं मरती।
शक्ति भी तभी साथ देती है कृष्णा, जब सच्चाई साथ हो। जिस त्रिशूल से हमने तुम्हें मारा है वो कोई साधारण त्रिशूल नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद जिससे तुम्हारा अंत जरूर हो। देवी संतोषी की भक्त ने हमारी रचना को नष्ट कर दिया, यह अनर्थ नहीं हो सकता। यदि आज हम शक्तिशाली होते तो हम स्वयं उसे दंड देते। देवी पाल, ये क्या हो गया? रुद्राक्षी उठो बेटा, रुद्राक्षी, 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 संतोषी, मेरी एक बात सुनो। संतोषी उसकी कोई बात मत सुनो। संतोषी उसके पास मत जाना प्लीज, उसका कोई भरोसा नहीं। संतोषी, 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 कृष्णा, मैंने तुम्हें हर बार मारने की कोशिश की और आज देखो तुम्हें मारने के चक्कर में मैं खुद ही मर रही हूँ। कृष्णा, संतोषी, गलती के लिए मुझे माफ कर, हमारी भक्त अंतिम क्षण में प्रहार नहीं कर रही अपे तो क्षमा मांग रही, लेकिन क्यों? रुद्राक्षी उठो बेटा, रुद्राक्षी उठो। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोलो कृष्ण, मरकर तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन साथ में मेरी एक बेटी है वो अनाथ हो जाएगी। संतोषी, वो कामिनी के पास है, तुम्हारे पास रहेगी तो उसे संस्कारों की कोई कमी नहीं होगी और साथ में माँ की ममता भी मिल जाएगी। संतोषी प्लीज। कृष्णा, हम तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए सब हमें मार। संतोषी ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना प्लीज। नहीं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ संतोषी। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी मेरी एक बेटी है अनामिका, कामिनी के पास है। कामिनी मेरी मां नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं संभाल पाएगी। तुम संभाल पाओगी संतोषी, उसे संभाल लेना, प्रॉमिस करो मुझे प्लीज। देवी संतोषी की भक्त ने
भले तृष्णा को नष्ट कर दिया, किंतु नष्ट होने के पश्चात भी तृष्णा अपने लक्ष्य में सफल हो गई। देवी संतोषी की भक्त ने सत्य और धर्म की रक्षा की। देवी संतोषी, हमने जो लिखा है उसका आपके भक्त ने मान रखा, उसके इस कार्य से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। देवी, आपके समस्त भक्त प्रतिबद्ध है। रुद्राक्षी उठो बेटा। संतोषी, रुद्राक्षी बेहोश है। तुम इसके साथ यहां पे रहो, मैं पानी लेकर आता हूं। इसका ध्यान रखना यहां पे। मैं अभी आ जाऊंगा, ख्याल रखना। चित्रगुप्त जी, आप इसे सुरक्षित क्यों कर रहे हैं? हम इसे परीक्षण हेतु रख रहे माते, ताकि यह ज्ञात हो सके कि असुरगण कितनी क्षमता रखते हैं। उठो रुद्राक्षी। मम्मा, यहाँ पे क्या हुआ था? बेटा, कुछ नहीं हुआ। इतना समझ लो कि एक बुरा सपना था जो टूट गया। अब हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के घर जा सकते, खुशी खुशी चले। क्या सोच रही हो संतोष? चलो घर चलते। What is wrong with you, संतोष? क्या सोच रही हो तुम? जो होना था सो हो गया। हमारे हाथ से किसी की हत्या हुई है। तुमने जो कुछ भी किया है हमारी जान बचाने के लिए किया। संतोषी, अगर तुम कृष्णा को नहीं मारती तो वो हमें मार डालती। इनफैक्ट मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ संतोषी माँ का, जिन्होंने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम ये कर पाए। जब जब हम मुसीबत में रहे, जब जब हमें तकलीफ हुई है, संतोषी माँ ने हमेशा हमारा साथ दिया। अभी सब भुलाकर घर चलो। हम सब तो बच गए घर से, लेकिन उस बच्चे का क्या? संतोषी, मुझे नहीं लगता कि तृष्णा सच कह रही थी। वो मरने से पहले भी हमें अपनी इन सारी बातों में उलझाना चाहती थी। संतोषी, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। इनफैक्ट हमें अभी रुद्राक्षी के बारे में सोचना चाहिए। सही यही होगा कि घर चलते हैं। Thank you.
ये कृष्णा कहाँ रह गई? अब तक तो संतोषी को खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था। नानी, मम्मा कहाँ गई है? वो कब आएंगी? आएगी बेटा, अभी आएगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कृष्णा कहाँ है? कृष्णा कहाँ है? कहाँ है कृष्णा? हाँ, बताओ मुझे, कहाँ है कृष्णा? अब तुम दोनों बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेटी, इस त्रिशूल में अपार शक्ति है, पर ध्यान रहे, इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकती हो। मैं पालोमिका के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे उसे संभालना होगा। आ जाएगी बेटा, कुछ काम के लिए गई है। अरे धर, अरे बेटे, तुम वापस क्यों आ गए? और रुद्राक्षी उसे ऐसे क्यों लाए? संतोषी, संतोषी रुको, संतोषी, संतोषी बेटा, क्या हुआ? तुम खोई क्यों हो? पापा, पापा, एक्चुअली हुआ यह कि कुछ हो गया। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये कृष्णा नाम का ग्रहण हमारे सर से उतरा। बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। अरे संतोषी, बहुत उदास लग रही है, क्या बात है? क्योंकि संतोषी को ये लगता है कि कृष्णा की मौत उसके कारण हुई, और कृष्णा ने मरने से पहले संतोषी को एक जिम्मेदारी सौंप दी, इसके वजह से वो थोड़ी परेशान है।
जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? वो पापा कृष्णा की एक बेटी, जिसकी जिम्मेदारी वो संतोषी को सौंप कर गई।